गिरे खजूर पर अटके। अगर ये कहा जाए कि हिंदी की ये कहावत देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के सबसे अपरिपक्व राजनेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए ही बनी है तो संभव है कि कुछ गलत नहीं होगा। राहुल गांधी थोड़ा बहुत ही जानते हैं कि राष्ट्र क्या है। नमस्कार, मैं साक्षी डोगरियाल और आप देख रहे हैं न्यूज 10 इंडिया। राहुल गांधी अपनी अजीबोगरीब हरकतों और भाषण की वजह से सदा ही हास्यपद चर्चाओं का विषय भी बने रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसी हरकत भी कर देते हैं जिससे उनकी छवि निचले स्तर के एक नए पायदान पर चली जाती है, जिसके बाद कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कई मौकों पर उन्हें रीलॉन्च करने की भी कोशिश करता है। लेकिन राहुल गांधी अपनी हरकतों से सब मिट्टियां मेट कर देते हैं। इसी बीच राहुल ने अपने आप को एक परिपक्व राजनेता बताने की और नाकाम कोशिश की है, लेकिन राहुल गांधी के भाषण में कुछ चिंताजनक बातें भी हैं, पर उन्होंने उसे ऐसे पेश किया कि उन पर क्रोध कम है और हंसी ज्यादा आएगी। उनके बयानों से यह एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि क्यों राहुल गांधी जैसे लोग सत्ता से जितना दूर रहेंगे देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। राहुल गांधी ने सरकार से पूछा कि 26 जनवरी के मौके पर कोई विदेशी मेहमान क्यों नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये सरकार की नाकामी है कि हम दुनिया में अलग थलग हो गए हैं। यहाँ पर राहुल गांधी एक गलती तो कर गए, या यूं भी कह सकते हैं कि भावनाओं में भी बह गए। दरअसल भारत ने दिसंबर 2021 में सेंट्रल एशियाई देशों के 5 नेताओं को इनविटेशन भेजा था 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट बनने के लिए। जिन देशों के नेताओं को बुलावा भेजा था वे हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। उनका समारोह में हिस्सा लेना तो तय माना जा रहा था, फिर नया साल आया और साथ ही में ओमिक्रॉन की भी एंट्री हुई। भारत में कोरोना के मामले बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे। फिर 18 जनवरी को खबर आई कि मेहमानों का आना संभव नहीं होगा। ऐसा लगातार दूसरे साल हो रहा था। 2021 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 26 जनवरी के मौके पर चीफ गेस्ट बनने का न्योता भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन उस बार भी कोरोना के मामले अचानक से बढ़ने लगे थे। बोरिस जॉनसन को भी अब भारत का दौरा रद्द करना पड़ा था। इस साल मेहमान भारत तो नहीं आए, लेकिन 27 जनवरी को उनकी भारत के साथ एक वर्चुअल समिट हुई, जिस समिट में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेंट्रल एशिया के 5 देशों के राष्ट्रपतियों ने भी हिस्सा लिया। इस मीटिंग में अफगानिस्तान का मुद्दा छाया रहा। इसके अलावा भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच संबंध मजबूत करने पर चर्चा भी हुई। भारत और मध्य एशियाई देशों के नेताओं की इतने बड़े स्तर पर पहली बार चर्चा हुई थी। भारत की वर्चुअल समिट से 2 दिन पहले ही चीन ने डोरा डाल दिया था। उसने आनन-फानन में 25 जनवरी को इन नेताओं की बैठक ले ली थी और लगभग 4,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान भी किया। इस वजह से पीएम मोदी की ये समिट काफी अहम थी। राहुल गांधी का पहला आरोप यहाँ पर खारिज हो जाता है कि दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 5 नेताओं की विजिट भी कैंसिल हुई थी, लेकिन गणतंत्र दिवस समारोह के अगले दिन ही भारत के साथ इन नेताओं की वर्चुअल बैठक भी आयोजित हुई थी। राहुल गांधी के इस आरोप पर बीजेपी नेता और केंद्र सरकार के मंत्रियों का भी जवाब आया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्विटर पर लिखा कि जो लोग भारत में रहते हैं उन्हें पता है कि देश में कोरोना की लहर चल रही है। एस जयशंकर का तंज राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर भी था। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या उन्हें 27 जनवरी की समिट मीटिंग के बारे में कुछ पता नहीं है क्या, और साथ ही ये भी बता दें कि राहुल गांधी आप इतना तो समझ लेते कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से गेस्ट का आना कैंसिल हुआ था। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दुनिया से अलग थलग हो गए हैं। हाल ही में संसद में अपने अभिभाषण को लेकर राहुल गांधी एक बार फिर से चर्चा में आए। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के उत्तर में सांसदों के वार्तालाप के दौरान राहुल गांधी ने स्वभाव अनुसार केंद्र सरकार को उनकी दुष्प्रभावी नीतियों के लिए आड़े हाथों लेने का भी प्रयास किया। उनके अनुसार केंद्र सरकार एक राजशाही की भांति देश पर शासन कर रही है और सत्ता का केंद्रीयकरण देश के लिए हानिकारक है। राहुल गांधी थोड़ा बहुत जानते हैं कि राष्ट्र क्या है, लेकिन भावनाओं में बहना एक बात है और उसी बात में बहकर अपनी भद बिटवाना दूसरी।
ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी को इन दोनों की बातों में अंतर बिल्कुल भी नहीं पता। उन्होंने आगे कहा कि इस सरकार में दो हिंदुस्तान बन गए हैं, जिसमें से एक अमीरों का और दूसरा गरीबों के लिए है। देश के सामने खड़ी प्रमुख चुनौतियों का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया। मेरा परनाना जवाहरलाल नेहरू इस राष्ट्र को बनाने के लिए 15 साल तक जेल में रहे। मेरी दादी इंदिरा गांधी को 32 गोलियां मारी गई और मेरे पिता राजीव गांधी को विस्फोट से उड़ा दिया गया। इन्होंने इस राष्ट्र को बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ कि राष्ट्र क्या है। राहुल गांधी वहीं पर नहीं रुके, उन्होंने भाषण में ये भी कहा कि केंद्र सरकार की नीति के कारण ही आज चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। चीन के पास एक योजना है, चीनियों का एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है कि वे क्या करना चाहते हैं। भारत की विदेश नीति का एकमात्र सबसे बड़ा रणनीतिक लक्ष्य पाकिस्तान और चीन को अलग रखना है। आपने जो किया, आप उन्हें साथ लाए हैं। राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी का समर्थन नहीं मिल रहा, फिर भी भारत पर राज करने का सपना देख रहे हैं। राहुल गांधी ने न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर भी उठा दिए सवाल। And I'll give you examples. The judiciary, the election commission, Pegasus. These are all instruments of destroying the voice of the union of states. राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए भाषण में आगे कहा कि आप खतरे से खेल रहे हैं, मेरी सलाह है कि रुक जाइए। आप खतरे को हल्के में मत लीजिए। आप चीन और पाकिस्तान को साथ ला चुके हैं। मुझे कोई संदेह नहीं कि चीन के पास स्पष्ट योजना है। इसकी बुनियाद डोकलाम और लद्दाख में रख दी गई है। यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपने जम्मू कश्मीर और विदेश नीति में बहुत बड़ी रणनीतिक गलतियां की है। आपने दो मोर्चों को एक मोर्चे में बदल दिया है। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि राहुल गांधी ने असली रायता तो तब फैलाया जब उन्होंने भाषण में कहा न्यायपालिका, चुनाव आयोग और पेगा। ये वो माध्यम है जिनका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों की आवाज को दबाने के लिए किया है। बस राहुल गांधी यहीं पर गलती कर गए। अपने ऊटपटांग बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाले राहुल गांधी अगर केवल मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना तक सीमित रहते तो शायद उन्हें एक परिपक्व राजनेता भी माना जा सकता था। लेकिन न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर उंगली उठाकर उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसे में राहुल गांधी ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि मसखरी में उनका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन राजनीति उनके बस की नहीं है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और अब तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।